देखिए, नेशनल वोटर्स डे हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है, और नेशनल वोटर्स डे का मकसद ये है कि जो हमारे न्यू वोटर्स हैं, एक तो उनको ये बताया जाए कि उनको अपने आप को एनरोल करना है, और साथ ही साथ में जो एग्जिस्टिंग वोटर्स हैं उनको अपने जो डिटेल्स हैं अपडेट करने के लिए उनको बताया जाए, और हर वोटर ये समझे, जो एलिजिबल वोटर है ये समझे कि वोट करना कितनी ज़रूरी है। जब आप ईवीएम पर बटन दबाते हैं तो आप सिर्फ एक वोट नहीं दे रहे होते बल्कि एक पूरे मुल्क की जमहूरियत को मजबूत कर रहे होते हैं। देखिए, इस बार स्पेशल समरी रिवीजन जो हुई है, रिसेंटली कंक्लूड हुई है, उसमें हमें श्रीनगर से 80,000 फॉर्म्स आए थे एडिशन के लिए और 15,000 डिलीशन के लिए, तो लगभग 65,000 के करीब हमारे नेट एडिशन हो जाते हैं इस हिसाब से। सर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है, अभी तक कितनी जमीन जो है वो रिवाइव की गई है, स्टेट लैंड हाइजराइट? देखिए, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव एक लगातार चल रही ड्राइव है, कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। और इसमें आपको मालूम होगा कि हफ्ता 10 दिन पहले 333 कनाल लैंड रिट्रीव की गई थी, और रिट्रीव करने के लिए जो डायरेक्शंस हैं वो एलजी साहब ने क्लियर बताई हैं, आप लोगों को भी पता है, उन्होंने मीडिया के सामने भी बताई है, तो उसी जैसे डायरेक्शंस दी हैं गवर्नमेंट ने, उसी वही मॉड्यूल पूरा मॉडल वैसे ही फॉलो किया जा रहा है। आपके पास है बिल्कुल यही डायरेक्शन है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने दी हैं कि किसी भी लैंड लेस को, किसी भी गरीब को नहीं छेड़ा जाएगा, बल्कि जो इन्फ्लुएंशियल या जिन्होंने जो स्टेटमेंट है उनकी आपको मालूम ही है, तो उसी जो गाइडलाइंस हमें दी गई हैं उसी पर हम चल के जो रिट्रीवल का प्रोसेस चल रहा है। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ देखी जा रही है कि लोग खुद सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों की सपोर्ट है। आप देखें, ईदगाह में, सेंट्रल शाल्टिंग में, जहाँ जहाँ एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई है, लोग खुद सामने आए हैं, लोगों ने कंप्लेंट की है, और उस कंप्लेंट पर अमल करते हुए हमने उसको एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चला के ज़मीन रिट्रीव की है जो पब्लिक पर्पज़ के लिए ही इस्तेमाल होगी। देखिए, इंक्रोचमेंट जो है उसकी इंक्रोचमेंट अपने आप में एक कैटेगरी है, इसके ऊपर उसको क्या कैटेगरी